बनाएंगे मलका की दाल, जिसे मलका भी कहते हैं और मसर भी कहते हैं, धुले मसर। और ये है प्याज, हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च और 1 प्याज, आधी कौली मसूर, और ये है 1 टमाटर, और ये है गार्लिक लहसुन। सबसे पहले हम इसे अच्छे से धो लेंगे। अब मैं इसको इसमें पीस रही हूँ, सारा इकट्ठा पीस रही हूँ, टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च। अब मैं इसको इसमें पीस लूँगी। अब मैंने इसमें कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में मैं ऑयल डालूँगी, मसाले के अकॉर्डिंग ही डालूँगी, 4 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। देखिए ये मैंने बिल्कुल भी पतला नहीं पीसा है, ये मैंने इस तरह से इसमें पीस के पेस्ट बना दिया है, जो कि थिक रखना है, बिल्कुल पतला नहीं करना है। तेल गरम हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा, और सबसे पहले डालूंगी साबुत धनिया, उसके बाद मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी, और उसके बाद मैं ये जो मैंने बनाया है मिक्सचर, इसको डालने वाली हूँ, और उसके बाद मैं हल्दी डालूंगी, और हल्दी डालने के बाद लास्ट में मैं नमक डालूंगी। और ये मैंने मसाला बनाया है, ये मसाला है जो खड़े मसाले कहते हैं जिसे, वो मैंने थोड़े से सेक लिए थे, और उसके बाद मैंने इसको पीसा है, पीसने के बाद इसमें डाल दिए, इसमें डाल दूंगी, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है दाल। इसको मैं बिल्कुल लास्ट में डालूंगी, 2 चम्मच मैंने 2 चम्मच इसमें साबुत धनिया डाल दिया है। अब मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी 2 चम्मच, और फिर डालूंगी ये मिक्सचर, इसको मैं घुमाऊंगी, और जब तक ये टमाटर गलने ना लग जाए, उसका कलर चेंज ना हो जाए, तब तक मैं इसे हिलाती रहूंगी, और मीडियम आंच पे रखूंगी मैं गैस को, और इसे घुमाती रहूंगी और पकाती रहूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी 1 बड़ा चम्मच, और नमक 3 चम्मच, जैसे कि आप देख रहे हो ये पानी छोड़ रहा है, और ये इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी मसाला 2 चम्मच। अब मैं इसमें दाल डाल रही हूँ, जो कि मैंने अच्छे से धोई है, अच्छे से डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी। मैंने ये अच्छे से मिक्स कर दी है। अब मैं इसमें गरम पानी ऐड करूँगी, आधी कौली दाल है तो मैं पानी इसमें 3 कौली ऐड करूँगी। देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, अब इसमें ढक्कन लगा दूँगी, और जैसे ही इसमें 1 सीटी आएगी वैसे ही मैं इसको हटा दूँगी। मैंने 1 मिनट के लिए इसमें आंच फुल रखी है, और 1 मिनट के बाद मैं इसे मीडियम रखूँगी और मीडियम आंच पे पकाऊँगी, सिर्फ 1 सीटी आने पे मैं इसे बंद कर दूँगी। ये मैंने हरा धनिया काट दिया है, जैसे ही दाल पक जाएगी मैं उसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी। 1 सीटी आ गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मैं इसको बंद करने वाली हूँ क्योंकि सीटी आ चुकी है। देखिए दाल बन के तैयार है, यमी यमी टेस्टी टेस्टी। ये दाल बहुत इजी है बनानी, अगर आप बिल्कुल जल्दी में हो तो आप इसको बना सकते हो, जिसको कि बोलते हैं, हम तो इसे मलका भी बोलते हैं, पर इसे धुली मसूर भी कहते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये।